सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि है परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट ऑफ बॉयलर, यानी कि बॉयलर का जो पीजी टेस्ट किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि पावर प्लांट में कौन कौन से इक्विपमेंट का पीजी टेस्ट किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका पर्पज क्या है, कब किया जाता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट ऑफ बॉयलर, ठीक है, जैसा कि ये आपको डायग्राम में बॉयलर दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीजी टेस्ट। पीजी टेस्ट को समझने से पहले एक एग्जांपल समझिए। जैसे कि आप बाइक चलाते होंगे तो जिस फैक्ट्री में बाइक बनती होगी वहाँ पर भी उसकी पीजी टेस्ट की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी बाइक का अगर माइलेज है वो 50 किलोमीटर पर लीटर है, यानी एक लीटर में वो 50 किलोमीटर चलता है, तो कंपनी तो ऐसे ही क्लेम नहीं करती है, उसको उसके लिए वो प्रॉपर जो है उसका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, उसी टेस्ट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट बनता है और उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, उस टेस्ट के बेसिस पे वो क्लेम करती है कस्टमर को कि आपका जो ये बाइक जो माइलेज देगा वो 50 किलोमीटर पर लीटर देगा। ठीक उसी तरह इंडस्ट्री में अलग अलग इक्विपमेंट का पीजी टेस्ट यानी कि परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट किया जाता है। जैसे कि पावर प्लांट में बात करें तो पावर प्लांट में जो जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो बॉयलर हो, टरबाइन हो, जनरेटर हो, कोई पंप हो, कंप्रेसर हो, ठीक है, कोई फैन हो, उन सभी का परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ट किया जाता है। ओके, अभी इसको हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या किया जाता है और क्यों किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीजी टेस्ट होता क्या है। ओके, तो देखिए, इट इज़ ए टेस्ट कैरिड आउट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इक्विपमेंट एज गारंटीड बाय द मैन्युफैक्चरर, यानी कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा किए जाने वाला किसी इक्विपमेंट का एक टेस्ट होता है जिसमें ये गारंटीड करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस जो होता है वो इस लेवल का है, यानी कि इतना परसेंट है। सपोज मान लीजिए वो किसी अगर पंप का परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट कर रहे हैं और उसका पंप की परफॉर्मेंस 90% आ रहा है, तो वो 90% पर अपना रिपोर्ट बनाएंगे और वो बोलेंगे कस्टमर को कि इसका परफॉर्मेंस जो है वो 90% है, ताकि आपको एक इंश्योरिटी मिल पाए, आपको एक आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर आपको एक श्योरिटी मिल पाए कि हाँ अब इस पंप की जो हम मैं ये पंप खरीद रहा हूँ उसका एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस जो है वो 90%। ओके, तो ये चेक करने के लिए ही आपका पीजी टेस्ट किया जाता है। तो वहीं उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो वेरीफाई द बॉयलर, यानी यहाँ पर जो मेनली हम लोग बॉयलर के बारे में देख रहे हैं, पावर प्लांट का जो बॉयलर होता है। ओके, तो बॉयलर का जो परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाता है तो उसका परफॉर्मेंस को वेरीफाई करने के लिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा ये गारंटी टेस्ट किया जाता है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ओके, नेक्स्ट है इक्विपमेंट कवर्ड। तो पावर प्लांट में जनरली जो इक्विपमेंट कवर्ड किया जाता है उसके बारे में अगर बात करें तो मेनली जो है वो बॉयलर है, टरबाइन है, जनरेटर है, हीट एक्सचेंजर है जिसमें कंडेंसर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, पंप हो गया, चाहे वो फीड वाटर पंप हो या कंडेंसेट पंप हो, ठीक है, नेक्स्ट हो गया फैन, चाहे वो आईडी फैन हो, एफडी फैन हो या पीए फैन हो, साथ में कंप्रेसर हो गया। तो ये जो मेन इसके अलावा भी और कोई मेजर इक्विपमेंट होगा तो उसके भी किया जाता है, ये मेन इक्विपमेंट को मैंने यहाँ पे कवर किया। ओके, तो इतने सारे यहाँ पर जो हम लोग मेनली देखेंगे वो बॉयलर के बारे में देखेंगे कि बॉयलर का कब किया जाता है और कैसे किया जाता है पीजी टेस्ट। फ्रीक्वेंसी का बात करें कि बॉयलर में जो ये टेस्ट किया जाता है पीजी टेस्ट वो कब किया जाता है, तो टाइपली ये तीन तरह से हो सकते हैं। एक पहला क्या है कि आफ्टर इनिशियल इंस्टॉलेशन, जब बॉयलर कोई खड़ा हो रहा है, बन रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो तुरंत उसके बाद एक पीजी टेस्ट किया जाता है, उसका रिपोर्ट जनरेट किया जाता है कि उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर मेजर मॉडिफिकेशन या अपग्रेड। मान लीजिए कुछ समय के लिए बॉयलर चला, फिर आपको लगता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, फिर आपने मॉडिफिकेशन किया और फिर मॉडिफिकेशन के बाद भी पीजी टेस्ट किया जाता है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका जो पहले परफॉर्मेंस चल रहा था उसके कंपेरिजन में अभी कितना हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है प्रेडिक्टली भी किया जाता है, यानी टाइम टू टाइम, मान लीजिए 5 साल 10 साल के बाद भी किसी किसी बॉयलर का परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है पीजी टेस्ट इवेपुलेट द बॉयलर्स, यानी जो बॉयलर का पीजी टेस्ट किया जाता है उसमें क्या क्या मेनली जो पैरामीटर है वो इवेपुलेट किए जाते हैं, तो आपका इफिशेंसी हो गया, इवेपरेशन रेट हो गया यानी कितना आपका स्टीम फ्लो रेट हो रहा है, नेक्स्ट है स्टीम प्रेशर और स्टीम टेम्परेचर कितना है, फ्यूल कंजप्शन कितना लग रहा है, साथ में फ्लू गैस जो इमेशन है, जो स्टैक इमेशन है, वो उसमें क्या क्या कंपोनेंट है और कितना है। ओके,
नेक्स्ट है, अगर इसका प्रोसीजर का सिंपली बात करें कि कैसे ये किया जाता है, तो जब पीजी टेस्ट किया जाता है तो इसके लिए पहले एक प्री टेस्ट प्रिपरेशन किया जाता है, जिसमें जितने भी सारे इसके डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट है, ऑपरेटिंग मैनुअल है और टेस्ट प्रोटोकॉल्स वगैरह है उसके बारे में जाना जाता है। और फिर आपका टेस्ट सेटअप किया जाता है, जिसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है उन सभी का कैलिब्रेशन वगैरह करके और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए यह टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के लिए जो लोड डिसाइड होता है वो डिफरेंट लोड पर इसका टेस्टिंग किया जाता है, जैसे 25%, 50%, 75% और 100% पे इसका टेस्टिंग किया जाता है। उस पर सारा पैरामीटर को मेंशन किया जाता है और उसको कंपेरिजन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट फिर डाटा, इन सभी का डाटा कलेक्शन कर लिया जाता है, जिसमें हम लोग मेनली जो डाटा देखते हैं, फ्यूल इनपुट, स्टीम आउटलेट कितना लग रहा है, फ्यूल कितना लग रहा है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, इमिशन क्या है, ठीक है, इन सभी डाटा को हम लोग जो है वो मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर आपका डाटा एनालिसिस किया जाता है और फिर इसका एक टेस्ट रिपोर्ट जो है वो जनरेट किया जाता है, और अगर इसमें कोई डेविएशन या एबनॉर्मलिटी वगैरह आता है तो उसको भी मेंशन किया जाता है विथ इसके परफॉर्मेंस के साथ कि कितना परफॉर्मेंस आ रहा। ओके, तो इस तरह से कुछ इसकी टेस्टिंग की जाती है। जब ये टेस्टिंग किया जाता है तो इसमें जो गारंटेड जो पैरामीटर जो मेंशन किए जाते हैं वो मेनली आपका बॉयलर एफिशिएंसी हो गया, इवेपोरेशन रेट हो गया, स्टीम प्रेशर हो गया, स्टीम टेम्परेचर हो गया, फ्यूल कंजप्शन आपका कितना लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टीम स्टैक इमिशन कितना हो रहा, जिसमें आपका सी हो गया, नॉक्स हो गया, सॉक्स हो गया, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि एसवीएम जो होता है वो सब पैरामीटर को चेक किया जाता है कि उसका क्या लेवल है, ठीक है। तो फिर इस सारा को टेस्ट करने के बाद जो मैन्युफैक्चरर जब टेस्ट कर लेते हैं, इंस्वेयर हो जाते हैं और एक डाटा कलेक्शन के बाद ही जो कस्टमर हो उसको प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो जैसे मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, मैं एक बॉयलर खरीद रहा हूँ किसी से, एक डिजाइनर से या जो मैन्युफैक्चरर है, तो इससे क्या होगा, एक तो हमको ये पता चलेगा कि मैं इंस्वेयर हो जाऊँगी कि मेरा बॉयलर का परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए डिजाइनर ने मुझे बोला कि इसका 90% एफिशिएंसी है, तो ये तो कहने का तो वो कुछ भी कर देगा, लेकिन एक मेरे पास डॉक्यूमेंट रहेगा, मैं एक टेस्टिंग करके देख लूंगा, ठीक है, जो टेस्ट वगैरह आपका जो पीजी टेस्ट होता है, तो उससे मुझे एक इंश्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है, तसल्ली मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है वैलिडेट इन्वेस्टमेंट, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो वैलिडेट है कि नहीं, ये एक हम मुझे इस पर भी इंश्योरिटी मिलेगी। साथ में सपोर्ट, ऑपरेशनल रिलायबिलिटी, ऑपरेशन के दौरान क्या एबनॉर्मलिटी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, इन सभी चीज़ को ऑपरेशन कितना रिलायबल है, कितना स्मूथ है, ये सभी चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो ये भी ऑपरेशन करने में एक मदद मिलेगा। साथ में हेल्प मेंटेन रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो कंप्लायंस को मेंटेन करने में भी ये सहायता करता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके इम्पोर्टेंस, जो बॉयलर का पीजी टेस्ट किया जाता है। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में, जिसमें हम लोग पीजी टेस्ट को समझे कि पीजी टेस्ट क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। आई होप कि ये जो वीडियो था वो सभी आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।